आप सभी को मेरी राधे राधे। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा और उसकी पूजा विधि बताएंगे, जो कि 25 सितंबर 2023 को पड़ रही है। तो आइए पहले हम आपको परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर पहले आप स्नान कीजिए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब हम आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अत हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। वे विधि प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अत मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से तीन पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीन लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी।
राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद भूलोक में जंगा स्वर्गलोक में कमर महलोक में पेट जनलोक में हृदय यमलोक में कंठ की स्थापना करी सत्यलोक में मुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविधि प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी दूसरे से स्वर्ग लोग पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा चांदी चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे।